guys, this is Aishi. I'm an interior designer. Welcome to my channel, Swarup Interior Designers. So, आज का जो मेरा वीडियो है वो अगेन इंटीरियर से रिलेटेड है ऑब्वियसली. आज का जो टॉपिक है हमारे जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं वो है मॉडर्न इंटीरियर. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माइंड टू लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात करने लगी हूँ वो दुबई का प्रोजेक्ट है एंड इसमें 4 रूम्स लिविंग किचन अटैच 3 वॉशरूम्स हैं. ओके, सो जिसके ऊपर हमने वर्क किया. तो इन्हीं 4 रूम्स के बारे में हम बात करेंगे बट आज हम लेंगे ओनली 1 रूम. बेसिकली क्या होने वाला है कि जिस रूम के बारे में हम बात करेंगे वो है मास्टर बेडरूम. आज हम डिस्कस करेंगे मास्टर बेडरूम के बारे में. ओके, सो इसकी एक स्टोरी है. लेट मी टेल यू फर्स्ट. सो स्टोरी ये है, जैसे मेरे पास इंक्वायरी आती ही है इंटीरियर की, लाइक सिटी वाइज भी इंडिया में एंड आउट ऑफ इंडिया के भी. सो मेरे पास एक मैसेज आता है, उन्होंने कहा कि मुझे आपकी डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद है. मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इंक्वायरी आती है, बट ये जो इंक्वायरी थी ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया के भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, बट उनका जो फर्स्ट मैसेज था वो ये था कि उनको मेरा वर्क बहुत अच्छा लगता है जो मैं पोस्ट करती हूँ इंस्टाग्राम पे. सो उनको उस चीज ने अट्रैक्ट किया और आई डोंट नो, लाइक उन्होंने कहा कि हमें आपसे ही इंटीरियर कराना है. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. एंड क्लाइंट का रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल एंड बेसिक है. उसके बाद मैंने जब इंटीरियर के लिए उनसे चीजें मांगी, लाइक सपोज फ्लोर प्लान मांगा, तो ऑब्वियसली वो उनके पास फ्लोर प्लान अवेलेबल है. सो ऑब्वियसली उन्होंने फ्लोर प्लान मुझे सेंड किया, प्लस मैंने उनसे कुछ उनके चॉइस मांगे, लाइक मैंने उनकी उनका टेस्ट पूछा कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके का चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे जो इंडिया में इंटीरियर होते हैं वो ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया से डिफरेंट होते हैं, ठीक है. सो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने उनसे उनकी चॉइस पूछी कि एग्जैक्टली फर्स्ट आप मुझे आपका भेजिए, आपको क्या पसंद है. उन्होंने सिंपली एक बात उन्होंने मुझे बोली कि दे वॉन्ट वेरी सटल कलर. सटल में भी दे वॉन्ट व्हाइट, बेज, लाइट बेज, लाइट ग्रे, दैट्स इट. सो विच इज वेरी डिफिकल्ट. तो उसको ही ध्यान में रखते हुए हमने इंटीरियर स्टार्ट किया. जितने भी इंटीरियर्स होते हैं ऑब्वियसली सारे मेरे एंड से ही होते हैं. 3D डिजाइनर्स हैं बट जो डिजाइन बेसिकली होता है वो मैं ही अप्रूव करती हूँ. बिकॉज जब भी मुझे क्लाइंट का नीड पता चला, क्लाइंट का जो रिव्यू था कि उनको मेरे व्यूज, उनको हमारे विजुअल्स इतने अच्छे लगते हैं, इंटीरियर क्वालिटी एंड 3D विजुअल्स इतने अच्छे लगते हैं कि दे वॉन्ट मी टू डिजाइन देयर फ्लोर प्लान. सो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी. सो फाइनली मैंने डिजाइन रेडी किया. डिजाइन कैसे हुआ, 4 वॉल्स में हम ध्यान रखेंगे, 4 वॉल्स हैं. 4 वॉल्स में फर्स्ट जो वॉल है हमारी बेड के पीछे वाली वॉल है, राइट. सो अब हम डिजाइन में आ जाते हैं कि एग्जैक्टली डिजाइन में कैसे मैंने डिजाइन उसको किया. ओके, जो फर्स्ट वॉल है हमारी बेड के पीछे वाली, राइट, सेम वॉल पेंट, मतलब डिफरेंट कुछ नहीं था, वॉल पेंट जैसे ही मोल्डिंग्स होंगी, आप देखेंगे स्क्रीन. एंड उसके बाद मैंने 2 पेंटिंग फ्रेम दिए हैं, लाइक इन द सेंटर, बेड के बिल्कुल सेंटर में. मोल्डिंग्स को ध्यान में रखते हुए ही सेंटर टेबल्स दी गई हैं. बेड रेस्ट जो है, जैसे कि उनका रिक्वायरमेंट था सिंपल, तो सिंपल ही हमने बेड रखा है उसका. अभी हम सिर्फ मॉडलिंग की बात करेंगे, टेक्सचरिंग मटेरियल की मैं बताऊंगी, मॉडलिंग की बात करते हैं कि ये इस तरीके से डिजाइन हुआ. देन उसके बाद हमारी दूसरी वॉल आती है, वार्डरोब वाली वॉल, ठीक है, लेफ्ट साइड की. वार्डरोब उनको बहुत ही सिंपल एंड बेसिक चाहिए था, बट सिंपल बेसिक में भी हम नॉर्मल डोर्स नहीं दे सकते थे, कुछ तो उसमें क्रिएटिविटी दिखानी ही. तो क्रिएटिविटी किस तरीके से दिखेगी, जो थीम हमारी जा रही थी मोल्डिंग वाली वही हमने कंटिन्यू की है बट इन डिफरेंट वे स्क्वायर में वार्डरोब के ऊपर. हैंडल्स लिए हमने बहुत स्मॉल, अराउंड 1 फीट जितने. बेड के ठीक सामने पेंटिंग दी है. पेंटिंग अभी क्लाइंट जिस तरीके की पेंटिंग लगाना चाहते हैं, क्लाइंट को टीवी यूनिट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था. एंड जो राइट हैंड साइड में हमारे विंडो के कर्टन्स हैं वो हमने वाइट लिए हैं, शियर कर्टन्स. उसके बाहर है बालकनी. सो बालकनी उनको इंटीरियर नहीं करवाना था, सिर्फ बेडरूम ही करवाना था. सीलिंग जो है बिल्कुल सिंपल रखी गई है. ओनली सीलिंग में किया कि 6 to 8 इंचेस थोड़ा डाउन लाके वहां पे इनडायरेक्ट लाइट लगाई है जिसके अंदर कर्टन्स चले जाएंगे. मॉडर्न थीम है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है. वहां से जो लाइट आ रही है वो वार्म लाइट भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आप लाइट्स उसमें अरेंज कर सकते हैं, लाइक
वार्म लाइट, कूल लाइट और टोटल वाइट लाइट. ओके, फिर उसमें हमने दिए हैं फैन. फैन के साथ हमने तीन तीन लाइट्स दी हैं, सिलेंड्रिकल लाइट्स जो नॉर्मल हमारी सीयूवी लाइट्स होती हैं वो. अब हम बात करते हैं उसमें कलर की. कलर किस तरीके से किया गया है, कलर और टेक्सचर किस तरीके से किया गया है, आई विल एक्सप्लेन यू. सो हमारे बेड के पीछे वाली जो वॉल है वो हमने लाइट वेज सेलेक्ट करी है. लाइट वेज का जो हम मूड बोर्ड देखेंगे उसमें सबसे लाइट जो आता है व्हाइट से थोड़ा सा ज्यादा, वो हमने सेलेक्ट किया. देन हमारा जो बेड रेस्ट है और बेड है वो करीब करीब सेम है, विच इज बेज. ओके, साइड टेबल्स जो है अगेन हमने बेज रखी है क्योंकि हमें एक ही रूम में तीन चार कलर ऐड नहीं करने थे, ऑलमोस्ट टू भी हो जाए मतलब टू से थ्री में ही हमें प्ले करना था. देन उसके बाद जो हमारा वार्डरोब है वो सेम बेड को हाईलाइट करता हुआ सेम कलर है. ओके, जितनी भी रूम में वॉल्स हैं वो सेम कलर की हैं, विच इज लाइट बेज. एंड जो मोल्डिंग हो रखी है वो भी लाइट बेज में ही है. फ्लोर हमारा वुडन है जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्लाइंट के एंड से. एंड जो हमने इसमें कारपेट यूज किया है वो भी डार्क बेज ही हमने यूज किया है एज पर क्लाइंट चॉइस. जो डोर है वो है व्हाइट एंड सीलिंग भी ऑब्वियसली व्हाइट रखी है. तो ये इंटीरियर है. जो लोगों को देखना है 3ds Max में कि किस तरीके से बना है, इसमें लाइटनिंग एंड टेक्सचरिंग कैसे हुआ है, तो वो तकरीबन मॉडलिंग तो आपको दिखाई दी जाएगी इस वीडियो में नहीं, इसके बाजू में वीडियो डालूंगी. इसमें लोगों को 3ds Max में देखना है कि किस तरीके से मॉडलिंग होती है, इसके बाद मैं वीडियो डालूंगी जिसमें इस रूम की मॉडलिंग के बारे में सब कुछ लिखा होगा कि किस तरीके से इसमें मॉडलिंग हुई है 3ds Max में एंड लाइट टेक्सचरिंग किस तरीके से हुई है. सो फटाफट से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन बेल आइकन भी होगा, उसके भी प्रेस कर देना. उसको आप प्रेस करोगे जब भी मैं इसके बाद जो मैं वीडियो डालूंगी 3ds Max की इस रूम की, वो आप देख सकोगे. इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं. एंड ये जो हमने प्रोजेक्ट किया है ये दुबई का प्रोजेक्ट है, और इसके बाद मैं डेफिनेटली आपके लिए इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बाकी की जो रूम्स हैं, लिविंग किचन हैं, सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगी. इसीलिए आप सब्सक्राइब करो चैनल को, कल भी वीडियो आने वाला है एंड दूसरे रूम का है वीडियो. ओके, एंड वन मोर थिंग. ओके गाइस, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है शेयर, कि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एंड मैं आपको ये बोल रही थी कि क्यों ना आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऑब्वियसली राइट. एंड दूसरी बात, हमारे एंड से इंटीरियर होता है इंडिया में एंड आउट ऑफ इंडिया में ऑब्वियसली. गाइस अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ डेफिनेटली मुझे दूसरी और वीडियोस भी बनानी चाहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसलिए कि हाँ तुम लोग मेरे वीडियो देख रहे हो पूरा, या फिर अच्छा पसंद कर रहे हो, काइंड ऑफ दैट. ओके, कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना. थैंक यू सो मच, बाय, सब्सक्राइब.